किस तरह हो सकता है कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर पुलिस जाके पुलिस एक लॉज को यरगमाल कर दे? मुझे इसका ना कोई रास्ता ना कोई आईन, और मैं एज ए सेनेटर मैं बिल्कुल हुकूमत के खिलाफ इस वक्त बेहद ये बात उनके सामने एक गिलमन रखना चाहता हूं कि ये कौन सा तरीका है। इसलिए इजलास बहुत सालों बाद मुल्क में मुख्तलिफ ममालिक के लोग आए हैं और एक हलचल देखी पाकिस्तानियों ने, टीवी के हद तक देखी, बाकी तो इस्लामाबाद में हम और आप भी गिरफ्तार थे तो लोग क्या देखते, कर्फ्यू था। एससीओ इजलास पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन तस्वीर, और हम ये चाहते हैं कि ये तस्वीर पाकिस्तान का सिर्फ टीवी के हद तक ना रहे, सिर्फ इस्लामाबाद के हद तक ना रहे, बल्कि पाकिस्तान का यही तस्वीर क्वेटा का मंजर भी बने, पाकिस्तान का यही तस्वीर दुखी का मंजर भी बने, पाकिस्तान का यही तस्वीर पेशावर भी बने, पाकिस्तान का यही तस्वीर मुल्तान भी बने। यही हमारी ख्वाहिश है। और मुबारकबाद पेश करेंगे सदर साहब को, पीएम साहब को, फॉरेन मिनिस्टर साहब को, और फिर खुसूसतन मेरे भाई नहीं आए इंटीरियर मिनिस्टर साहब को, जिन्होंने बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसे हालात में जब हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से और बाहर से पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट ब्रीच्ड, मैं दोबारा बोलता हूं कि पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट ब्रीच्ड सिक्योरिटी वाइज, उन हालात में ये इजलास पुरअमन होना, भले कर्फ्यू था लेकिन इट्स अ वेरी बिग थिंग। और मैंने देखा बड़े बड़े मिनिस्टर साहब रखे हुए थे, उनको फौजी नहीं जाने दे रहे थे रास्ते में, हमें बड़ी मिन्नतें करनी पड़ी, स्पेशल कमेटी के इजलास में जा रहे थे, लेकिन बड़ा अच्छा कंट्रोल हुआ। और इससे एक मैसेज हमें मिला दिली दिल में कि अगर पाकिस्तान कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। अगर इस्लामाबाद में ये हफ्ता दो हफ्ते पुरमन गुजरने थे, रियासत ने ये फैसला कर लिया था, फैसला कर लिया था कि ये हफ्ते दो हफ्ते पुरमन गुजरने चाहिए, फिर ना पीटीआई की चली, ना अली अमीन गाडापुर भी गायब, फिर सब गायब, फिर इस्लामाबाद पर अमन। अल्लाह खैर करे, जो खबर एक गुजर रही है शुक्र है कि ऐसा, मैं फिर कहूंगा शुक्र है कि ऐसा कोई वाकया नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यही इरादा जो दो हफ्ते इस्लामाबाद के लिए था, यही इरादा हमें चाहिए इस रियासत का पूरे पाकिस्तान के लिए। सर एक एडेड बात करूंगा, हम 7-8 दर्जन सेनेटर्स हैं मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में, 96 तो 8 दर्जन हो गए मेरे ख्याल में, 7-8 दर्जन है हम सर। और सर हमारा फैसिलिटीज मेरे ख्याल में हम ये कि हम लोग कहीं नुमाइंदगी कर रहे हैं, कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पार्टीज की नुमाइंदगी कर रहे हैं, नजरियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उसके बजाय हमें शायद तनख्वाह मिलती है और तनख्वाह के साथ इधर फ्लैट मिलते हैं जिसमें सेनेटर्स और एमएनएस जिंदगी सुकून से अमन से गुजार सके और उनको इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट आए और वापस जा सके। सर कल रात को जो एक पैगाम जनाब सरदार अख्तर मैंगल साहब के बजरिए सरेआम आया है,
मैं समझता हूं कि जो भी ये किरदार अदा कर रहा है बिल्कुल वो जो बेचारी सेनेटर या उसकी फैमिली, ये किस तरह हो सकता है कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर पुलिस जाके पुलिस एक लॉज को यरगमाल कर दे। मुझे इसका ना कोई रास्ता ना कोई आईन, और मैं एज ए सेनेटर मैं बिल्कुल हुकूमत के खिलाफ इस वक्त बेहद ये बात उनके सामने एक गिलमन रखना चाहता हूं कि ये कौन सा तरीका है। क्या वोट इस तरह लिए जाते हैं? आप 10 साल और 12 साल के बच्चों को हरासा करें, ये पुलिस किसके हुक्म पे? चेयरमैन साहब, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर दर्जन पुलिस एक सेनेटर का लॉज को यरगमाल करता है, मुआसरा करता है। मैं उर्दू, सॉरी मेरी उर्दू कमजोर है, मेरी मादरी जुबान नहीं है, मुझे फख्र है इसमें कि कमजोर है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि पुलिस कैसे उधर उसको यरगमाल कर रहा है और पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर ये सर बिल्कुल हर सेनेटर की तौकीर है, ये हर सेनेटर की बेइज्जती है, ये इस पूरे सेनेट इस पूरे सिस्टम की बेइज्जती है। मैं बिल्कुल ये वार्निंग देना चाहता हूं कि अगर उधर खुदा ना खास्ता हम पुख्तून बलोच सिंधी पंजाबी सब एक इज्जतदाराना रवायत रखते हैं और औरतों के लिए हम सब इज्जत की बात करते हैं। शेरी रहमान भी हर वक्त औरतों के हक के लिए बात करती है, आज वो भी चुप है, जबकि उनको पता है कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है और क्यों।